बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सीपैक के इंडस रिवर ब्रिज पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लेंथी ब्रिज है। इसकी टोटल लंबाई 1600 मीटर जबकि चौड़ाई 30 मीटर है। इस ब्रिज पर इस वक्त 200 के करीब अफराद काम कर रहे हैं। हकला से डीआई खान सेक्शन में 3 बड़े ब्रिजेस हैं, जिनमें से ये सबसे बड़ा ब्रिज है। बाकी 2 ब्रिज स्वां रिवर और कुरम रिवर पर बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, सड़क को ब्रिज से मिलाने वाले एरिया को अप्रोच कहते हैं। इस ब्रिज की अप्रोच पर एस्फाल्ट का काम तेज़ी से जारी है, जो कि आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। ब्रिज को कटाव से महफूज रखने और पानी को एक ख़ास सिमत फराहम करने के लिए ब्रिज की अपस्ट्रीम साइड पर स्पर तामीर किए जाते हैं। स्पर की लंबाई दरिया की चौड़ाई पर मुनहसर होती है। इस स्पर की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर रखी गई है। स्पर की तामीर से पानी के बहाव की रफ्तार को कम किया जा सकता है और दरिया के किनारों को भी कटाव से बचाया जा सकता है। ब्रिज की अपस्ट्रीम साइड को पत्थर लगाकर पुख्ता किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सीपैक के मगरबी रूट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा तरीन अजला जैसा कि मियांवाली, अटक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, टांक, करक और लक्की मरवत को होगा। इन इलाकों के लोग रोज़गार की तलाश में कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे दूर दराज शहरों का रुख करते हैं। अगर हुकूमत इन इलाकों में सीपैक रूट के साथ हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाती है तो हज़ारों मकामी लोगों को रोज़गार के मौके मयसर आएंगे और इन इलाकों की पसमानदगी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। ब्रिज की अपस्ट्रीम साइड को पत्थर लगाकर पुख्ता किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।